हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इमीडिएट फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है, आगे इस रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, इंटेंशंस है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक ओवरऑल उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर तो देखेंगे, लेकिन हमारा मेजर फोकस ये रहेगा कि आगे क्या होने वाला है, इमीडिएट फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, ये रीडिंग जनरल है, आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये माइंडसेट में रख के ये रीडिंग देखिएगा, इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिए, ऑल्सो मैनिफेस्टेशन की तरह, आप एक टूल की तरह इस वीडियो को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये वीडियो, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, और अगर शादीशुदा हो, सिंगल हो, आप देख सकते हो। सिंगल मतलब किसी के साथ डील कर रहे हो बट शादी नहीं हुई है तो भी आप देख सकते हो, और अगर शादी हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, ऑल्सो कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस है, सो ये चीज़ें आप ध्यान में रख के ही वीडियो देखिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच या आपके रिलेशनशिप का जो सिचुएशन है वो क्या है सर। चूज हु यू आर बिकमिंग, स्टॉप ड्रॉप एंड ग्राउंड, लीड योर मेटामॉर्फोसिस, द गुड काइंड, मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। ओके, एंड जो बॉटम डेक में है वो है इनबैलेंस। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ना आपका इस पर्सन के साथ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत से चेंजेस से होकर गुजर रहा है। आप देखते होंगे कि ये जो रिलेशनशिप है शुरुआत से अब तक इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। चाहे आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव लग रहा हो या पॉजिटिव लग रहा हो, लेकिन एक जैसा सिचुएशन नहीं रहा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत सी सिचुएशन से होकर ये रिलेशनशिप गुजरा है। ठीक है, एंड अभी भी जो फेज़ चल रहा है ना आपके रिश्ते का, वो है बदलाव का, चेंजेस का। आप देखने वाले हो आने वाले टाइम में आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा आप चेंज्ड देखोगे, बहुत उसमें चेंजेस हो गए होंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे। आप दोनों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग, प्यार काफ़ी बढ़ जाएगी। ओके, एक दूसरे को लेकर ऑनेस्टी, डेडिकेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत से टेस्ट, बहुत से ट्रायल से ये रिलेशनशिप होकर गुजरा है। ओके, एंड अभी भी बदलाव का एक हिस्सा ही है ये रिलेशनशिप, अभी भी यू नो इट्स ग्रोइंग, इट्स चेंजिंग। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज के कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप आपको मिला है, इस रिलेशनशिप के वजह से आप दोनों की इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ काफ़ी ग्रो हुई है। ये रिलेशनशिप आपको मिला ही इसलिए है ताकि आपके आपकी जो पर्सनालिटी है वो ग्रो करे, उसमें चेंजेस आए, आप किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट ना रहे। देखिए, हम लोग कई बार रिश्तों में, स्पेशली रोमांटिक रिश्तों में कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है आपके पर्सन भी
कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे, या आप उन पे काफ़ी ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे. एंड राइट नाउ आप दोनों उतना कोडिपेंडेंट एक दूसरे पे नहीं फील करते, क्योंकि उतनी दूरियाँ, उतने पेशेंस टेस्ट करे गए हैं, उतनी दूरियाँ, उतनी बात ना करना, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, उतना सब कुछ हो चुका है कि नाउ अगर आप दोनों साथ में नहीं भी रहते, यू बोथ आर टुगेदर, ठीक है, यू बोथ आर ओके विद दैट. आप अपने लाइफ पे काम कर रहे होते और ये पर्सन अपने लाइफ पे काम कर रहे होते. ऑल्सो व्हाट आई सी हियर इज के पेशेंस लेवल काफ़ी बढ़ रहा है. कंट्रोल जो होना चाहिए बंदे के अंदर या बंदी के अंदर, दूसरे से दूर होते हुए या नो कांटेक्ट में होते हुए, सेपरेशन में होते हुए, वो काफ़ी आ गया है. आपके पर्सन के अंदर भी काफ़ी कंट्रोल आ गया है, आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आ गया है, पेशेंस आ गया है, अंडरस्टैंडिंग आ गई है. दोनों अपने अपने तरह से मच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, एंड इंटेंशंस काफ़ी प्योर भी हुए हैं आपके पर्सन के. स्पेशली देखा जाए तो पहले अगर उनके इंटेंशंस इस रिश्ते को लेकर इतने खास नहीं थे, अब मुझे लगता है इंटेंशंस काफ़ी प्योर हो गए हैं. पहले अगर ये पर्सन सिर्फ प्रैक्टिकल माइंडसेट रखते थे, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट रखते थे, नाउ उनके इंटेंशंस आपको लेकर काफ़ी अच्छे हुए हैं और काफ़ी ग्राउंडेड है, ठीक है. एंड मुझे ये भी लगता है ये रिलेशनशिप काफ़ी लोगों को, आप लोगों में से इसलिए भी मिला है क्योंकि आपका वन ऑफ द सोल पर्पस है अपने डिवाइन सोल, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना, इंटीग्रेट होना, यूनियन में आना, चाहे 3D में हो चाहे 5D में हो, ठीक है. तो कुछ लोग यहाँ पे किसी डिवाइन कनेक्शन में है, अच्छा आप सोलमेट्स हो सकते हो या ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपको इसलिए ही मिला है क्योंकि आप लोगों को रियूनाइट होना है, आप लोगों को बहुत सी सिचुएशन से होकर गुजरते हुए एक होना है. और जैसे मैंने कहा, चाहे 3D वर्ल्ड में हो या 5D में हो, ओके. ऑल्सो मुझे लगता है ये रिलेशनशिप आने के बाद आप दोनों में काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो एक झुकाव होता है वो काफ़ी हुआ है. एंड दोनों ने अपने अपने तरीके से स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर किया है, ओके. चलिए अभी देखते हैं आपका रिलेशनशिप किस सिचुएशन से होकर गुजर रहा है. सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है पैशन. फ्री योर सेल्फ, अनरिक्वाइटेड लव एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके. एंड बॉटम डेक में रोमांटिक फीलिंग्स. तो देखिए, चाहे आप लोग दूर हो चाहे पार हो, पास हो, प्यार तो है, ठीक है. आप दोनों में काफ़ी प्यार है या फिर प्यार बढ़ता जा रहा है विद टाइम. कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग्स है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, स्पेशली आपके पर्सन की, रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी है आपके लिए और बढ़ती जा रही है. अगर बीच में पैशन कहीं ख़त्म हो गया था, आपके पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उतनी केमिस्ट्री नहीं रह गई थी, उतना एक दूसरे को लेकर जो एक फीलिंग्स होनी चाहिए ना, कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, मुझे इसको इसके साथ यू नो लाइफ स्पेंड करनी है, वो जो एक अट्रैक्शन होता है, वो जो एक फीलिंग होती है ना कि मुझे वो चाहिए, वो अगर ख़त्म हो गई थी, तो वो फीलिंग मुझे फिर से आपके और आपके पर्सन के अंदर एक दूसरे को लेकर जागते हुए दिख रही है इन फ्यूचर. और अगर आप, स्पेशली आप, इस इंसान को माफ़ करने के लिए, उनके गलतियों को साइड में करके, उनके अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने के लिए अगर अभी तक रेडी नहीं थे, वो भी होने वाला है इन फ्यूचर. आपको बोला भी जा रहा है, एज़ यू रिलीज एंड हील द पास्ट, जैसे जैसे आप पास्ट में जो इस पर्सन ने किया है उसको, या अगर आपके पास्ट में कुछ आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले जिसकी वजह से आप रिश्ते पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तो उस पास्ट को रिलीज करेंगे तो आप हील होंगे, ओके. और आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स. अगर आप किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर बैठे हो, शोक मना रहे हो, दुख दुख दुखी हो, उसको रिलीज करिए, तब जाके आप एक्सपीरियंस करोगे ज़्यादा प्यार अभी के सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में. मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो अट्रैक्शन और वो केमिस्ट्री नहीं रह गई है इस रिलेशनशिप में, ओके. रह गई थी,
बट अब क्या होने वाला है कि आपके पर्सन आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, उनके अंदर वो पैशन फिर से जग रहा है एंड वो रोमांटिक फीलिंग्स जो खो गई थी बट खो गई थी, वो फिर से आते हुए आने वाले फ्यूचर में मुझे दिख रहे हैं. मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप शेयर करते हुए दिख रहे हो, जो कमिटमेंट से भी ऊपर होगा, जिसमें मतलब कमिटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है. इस तरह का ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका बनते हुए दिख रहा है. मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो रिलेशनशिप में, तो आपको फ्री करना है अपने आप को. ठीक है, सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए, अपने आप को सारे टेंशन से, स्ट्रेस से, जो एक वॉल बिल्ड कर रखी है ना आपने अपने अराउंड, उससे फ्री करिए ताकि आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए. ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है क्रिएटिविटी का. जो नेक्स्ट कार्ड है वो है थंडरबोल्ट का. पार्टिसिपेशन का, मोमेंट टू मोमेंट का एंड टोटैलिटी का. ओके, एंड बॉटम डेक में है अंडरस्टैंडिंग. देखिए, आपके पर्सन मुझे लगता है आपसे दूर होकर भी दे आर थिंकिंग अबाउट यू, एंड कहीं ना कहीं वो आपको जानने की, इस सिचुएशन को समझने की, आप दोनों के बॉन्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, दूर रहकर ये पर्सन आपको देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड अच्छा है. कभी कभी दूर रहकर समझना एक दूसरे को भी ज़रूरी है, ताकि जो एक दूसरे को लेकर डाउट है, स्ट्रेस है, जो एक दूसरे को लेकर जो भी एक गलत धारणाएं होती है ना मन में, वो ख़त्म हो जाती है व्हेन वी स्टॉप एंड टेक अ लुक दूर रहकर थोड़ा सा. ठीक है, परसेप्शन ही बदल जाता है. तो आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है इनकी ऑनगोइंग एनर्जी ऐसा एक भी दिन नहीं जाता ये पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं, आपको स्टॉक नहीं करते हैं किसी ना किसी तरीके से. दे डू स्टॉक यू एंड वो आपको इस सिचुएशन को ही ओवरऑल समझने की कोशिश कर रहे हैं. मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ इसको ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि क्या है यहाँ पे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग या एनर्जी क्यों है यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में. ओके, तो अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे एट ऑफ सोल्स. मुझे लगता है इस पर्सन के मन में बहुत सी नेगेटिविटी थी आपको लेकर, या तो वो उनके उनके विचारों की वजह से आई थी या बाहर से किसी ने उन्हें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया था आपके बारे में, बट या तो उनकी खुद की कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, ठीक है, जो उन्हें रोक रही थी फुल फ्लेज्ड कमिटमेंट देने के लिए. तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपके साथ रहकर अगर आपको समझ नहीं पा रहे थे या कोई आपके साथ आपके लिए एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मुझे लगता है दूर रहकर ये पर्सन ने वो डिसीजंस लेना शुरू कर दिया है या उस नज़रिए से आपको देखना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आपको लेकर, दे आर जस्ट यू नो फॉलिंग ऑफ. मुझे ये भी लगता है ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है. दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन अब एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, मतलब वो इस रिलेशनशिप में एक मौका लेना चाहते हैं. दे वांट टू गिव इट अ चांस. वो आपको मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, अपने आप को मौका देना चाहते हैं, एंड आई थिंक वो आपके लिए कुछ सोच रहे हैं. दे आर प्लानिंग समथिंग फॉर यू. आने वाले समय में हो सकता है ये पर्सन आपको डेट पे ले जाए या कोई गिफ्ट आपके लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ आपका बर्थडे आ रहा हो सकता है या एनिवर्सरी आ रही हो सकती है, जिसके लिए दे आर प्लानिंग समथिंग. ओके, क्रिएटिविटी की वह डिवाइन प्लीज गाइड करें. मुझे लगता है कि विद दिस क्रिएटिविटी कार्ड मुझे लगता है ये पर्सन कुछ अलग करना चाहते हैं. हमेशा से जो एक पैटर्न चल रहा है ना आपके रिश्ते में, दे वॉन्ट टू ब्रेक इट. ठीक है, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स.
वो आपको इस तरह से देखते हैं, समवन हु इज़ ब्यूटिफुल, समवन हु इज़ स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वेरी, आपकी बहुत चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी लगती है इस पर्सन को, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए फील होता है। एंड मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा एक बैक बर्नर पे रखा था इस पर्सन ने अभी तक। नाउ दे वांट टू यू नो, वो आपको पेडेस्टल पे रखना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको वो जगह देना चाहते हैं अपने लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो, और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ दे आर गोइंग टू यू नो मेक यू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ देयर हार्ट। जो उन्होंने एक गद्दी बनाई है ना अपने अपने दिल में आपके लिए, रिस्पेक्ट से बनी हुई, प्यार से बनी हुई, और सबसे ऊपर प्रायोरिटी आपके अब सबसे ऊपर रहने वाली है इस पर्सन के लिए, ओके? क्योंकि एक एक दिन इनके मन में आपको लेकर अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग्स, प्यार, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि मैं क्लैरिफाई करती हूँ पहले थोड़ा सा, व्हाट इज दिस थंडरबोल्ट ऑल अबाउट। मुझे लगता है डेफिनेटली आप दोनों में ना सब कुछ बहुत सही चल रहा था एंड एवरीथिंग जस्ट फेल डाउन। मतलब आप दोनों ने एक सपनों की इमारत सजाई थी एंड जैसे उस इमारत ने में आग लग गई और सब कुछ ढह गया, सब कुछ ख़त्म हो गया अचानक से, ओके? नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपको हील करना चाहते हैं अपने प्यार से, अपनी फीलिंग से, अपने एनर्जी से। दे वॉन्ट टू ब्रिंग दिस कप ऑफ लव टूवर्ड्स यू एंड वो हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, वो हील करना चाहते हैं जो उन्होंने एक बैड फेज से गुजारा है ना, आपको जो दर्द, दुख, डिप्रेशन, जो इस टावर मोमेंट आने की वजह से आपने खो दिया है ना, वो सारी चीज़ें वो आपको लौटाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका प्यार ही है वो जो आपको हील कर सकता है। बट रिमेंबर, वो एक नाइट्स के एनर्जी में आ रहा है, किंग की एनर्जी में नहीं है। नाइट ऑफ कप्स इज़ यंग एनर्जी, ठीक है, ये कोई मैच्योर एनर्जी नहीं है। तो अभी भी हो सकता है ये लाइट हार्टेड एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, मुझे पता नहीं आई एम राइट और रॉन्ग, कोई वाटर साइन है जो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है हाल फिलहाल में या करने वाला है बहुत ही, मतलब मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ समवन एल्स जो आपको प्यार देना चाहेगा, जो आपको पसंद करता है या जो वो अपनी फीलिंग्स बहुत जल्द आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं। दिस माइट बी अ वाटर साइन, ओके, आपसे एज में कम हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आई थिंक आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो वक्त देना चाहते, दे डोंट वांट टू फोर्स एनीथिंग ऑन यू। वो आप पे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके आपके लाइफ में घुसना नहीं चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू टाइम और वो धीरे धीरे एक वन मोमेंट एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ना चाहते हैं। व्हाट इज़ दिस मोमेंट टू मोमेंट हियर फॉर? मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। तो यस, मुझे लगता है ये पर्सन जीतना चाहते हैं। वो आपको फिर से फ्रॉम बेसिक आपके लिए आपको इम्प्रेस करना, आपके दिल में जगह बनाना, ट्रस्ट जीतना और आपको अपने लाइफ में फिर से लाने के लिए दे वॉन्ट टू डू एवरी स्ट्रगल दे कैन। हर चीज़ वो करना चाहते हैं, वो आपको अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। एंड उन्हें कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है मुझे उनके अंदर कि आई विल गेट हर बैक, आई विल विन हिम बैक, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड वो इक्वल गिव एंड टेक अब लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कि अगर प्यार हो तो दोनों तरफ से हो, एफर्ट्स डाले तो अब दोनों तरफ से इक्वली हो। अगर पहले आप ही देते थे प्यार, अटेंशन, टाइम, नाउ दे ऑल्सो वॉन्ट टू गिव इन इक्वली और वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। व्हाट इज दिस पार्टिसिपेशन ऑल अबाउट? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कहीं ना इस पर्सन ने आपके सिवा एक बहुत ही ख़राब वक्त गुजारा है, जो इनके लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था, जो इनके लिए बहुत डिप्रेसिव था, जिसके वजह से इनकी नींद उड़ गई, इन ये बहुत डिप्रेसिव हो गए और हो सकता है इनकी हेल्थ भी अफेक्ट हुई है काफ़ी ज़्यादा, जस्ट बिकॉज उन्हें मे बी गिल्ट हो रहा था कि आपने बहुत कुछ किया उनके लिए और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप दोनों ने मिलकर बहुत सपने देखे लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सो दे वेंट इनटू अ डिप्रेसिव साइकिल एंड अब वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कोई हैप्पी रख सकता है, उन्हें कोई उस डिप्रेशन से, उस सैडनेस से बाहर निकाल सकता है तो वो आप हो, ओके? मुझे ये भी लगता है कि अब वो साथ देंगे आपका, ओके? नो मैटर वॉट दे आर गोइंग टू गिव देयर टोटल 100% अपने एफर्ट्स ये पर्सन देंगे। व्हाट इज दिस टोटैलिटी ऑल अबाउट? यस, मैंने बोला ना, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो,
सब कुछ एक्सेप्ट करके ये पर्सन आपके साथ अब दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विथ यू. ओके, कैंसर एनर्जी है यहाँ पे फुल फ्लेश्ड, मुझे आगे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, ओके, चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देखते हैं. आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू. ओके, पहला एडवाइस आपके लिए है ऑनर योर फीलिंग्स. तो अपने फीलिंग्स को की रिस्पेक्ट करिए. कई बार यही होता है कि क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को साइडलाइन कर देते हैं, हम हमारी फीलिंग्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को ऑनर करिए, रिस्पेक्ट करिए उसकी. एंड जो नेक्स्ट एडवाइस है वो है फोकस ऑन द पॉजिटिव. तो नेगेटिव पे फोकस मत करिए, क्या नहीं हो सकता या क्या नहीं हो पाया उस पे मत फोकस करिए. इस चीज़ पे फोकस करिए कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन, फोकस ऑन दैट. एंड बॉटम डेक में गो फॉर इट. तो अगर आप डर रहे हो, आपको लग रहा था कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे जवाब दे दो, वो पर्सन मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए, तो यही आपका सवाल का जवाब है, येस गो फॉर इट. ठीक है, चलिए वन मोर डेक से हम लोग दो एडवाइस कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए. डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए. पहला एडवाइस आपके लिए है नंबर 17, सेल्फ रिफ्लेक्शन. तो नंबर 17 है तो 1+7 8 भी हो सकता है आपके लिए, कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर. सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए कहाँ जा रहा है, अपने आप को अपने अंदर झांकिए, अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, लुक इन टू योर सेल्फ, आस्क सम क्वेश्चंस टू योर सेल्फ. तो ये टाइम है अपने ऊपर फोकस करने का, आपके अंदर क्या वो इश्यूज़ है, आपके अंदर वो क्या ऐसी आपकी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, या क्या है आपके अंदर जो बार बार किसी रिलेशनशिप में आप स्ट्रगल करते हो. सो व्हाट इज़ दैट, कौन सा ऑब्स्टैकल है जो आपके अंदर है. बाहर तो हम सब गलतियां देखते हैं इसकी उसकी, लेकिन व्हाट अबाउट योर सेल्फ, लुक इन टू योर सेल्फ, आप क्या गलत हो, आप क्या चाहते हो. ठीक है, एंड लास्ट आपके लिए जो मैसेज है वो है नंबर 44. तो 4+4 8 हो सकता है सिग्निफिकेंट. अगेन 8 नंबर फिर से, तो 88888 आपको दिख रहा होगा. अट्रैक्शन, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गए हो आपके पर्सन के लिए, जिससे दूर रहना, जिसको इग्नोर करना नामुमकिन होगा. ऑल्सो आपको ये बोला जा रहा है इस मैसेज की तरफ से, मैसेज के थ्रू, के आप एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इसलिए भी हो क्योंकि आप जो चाह रहे हो वो आपको आप अट्रैक्ट करोगे. तो चूज़ वाइजली, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपके ऊपर है. ठीक है, एंड यहाँ पे देख रहे हो बॉटम डेक में 36 नंबर है, फिर से यहाँ पे 9 नंबर है पेशेंस. तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, हिम्मत मत खोइए, होप्स मत खोइए. चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे. ओके, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं लव इज़ अ चॉइस, आई चूज यू. तो अगर प्यार एक चॉइस है तो आपको चूज़ करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी. तो आपका जो एक प्यार भरा, हैप्पीनेस भरा हार्ट है वो उनके दिल के लिए एक अच्छा मेडिसिन है, या उनके लिए एक अच्छा मेडिसिन है. आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट. तो आपके जो बॉडी के कर्व्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा उन्हें आपकी स्माइल पसंद है. आई कॉन्ट लीव विदाउट यू. तो आपके सिवा नहीं रह सकते. लास्ट मैसेज है हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू. तो धरती पे स्वर्ग अगर है तो उनके लिए वो स्वर्ग आप हो. सो दैट वॉज इट. कैसे लगे आपको ये क्यूट सी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. रीडिंग अगर आपके सिचुएशन से थोड़ी बहुत भी मैच हुई है, आपके दिल को अगर ये रीडिंग छू गई है, तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा. एंड कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना ना भूले, क्योंकि ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो ही आपके पास सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, अबंडेंस के डोर अनलॉक होंगे. मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ.